हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज मैं आपको एक्जिमा की मेडिसिन बताऊंगा और एक्जिमा क्या होता है इसके बारे में कुछ जानकारी आपको दूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चलिए आज हम ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा के बारे में जानते हैं। तो एक्जिमा दो प्रकार के होते हैं, ड्राई और वेट। ड्राई में स्केलिंग होती है, मतलब ये जो आपका पाम है पूरा ब्लैक हो जाएगा और साथ में इसमें पपड़ी पपड़ी जैसी निकलने लगेंगी और बहुत ज़्यादा इंची होंगी, इतनी इंची होंगी कि आप ऐसे हाथ रगड़ेंगे, तो उसको ड्राई एक्जिमा बोलते हैं। और ब्लैक पाम विद पपड़ी और बहुत ज़्यादा इंचिंग, ये तीनों सिम्टम्स ड्राई एक्जिमा में होते हैं। और आप इसके अगर इसके पेशेंट आप हैं तो आप बहुत सारी दवा यूज़ कर चुके होंगे और दवा जैसे ही आप छोड़ते हैं तो वापस से आ जाता है। तो ये होता है ड्राई एक्जिमा। तो चलिए दोस्तों दूसरा है वेट एक्जिमा। वेट एक्जिमा में ऊजिंग होती है, मतलब ब्लैक तो रहेगा लेकिन पपड़ी नहीं बनी रहेगी और साथ में पानी जैसा निकलेगा, बिल्कुल हनी लाइक, बिल्कुल चिपचिपा सा पानी निकलेगा, तो उसको बोलते हैं वेट एक्जिमा दोस्तों। और ये दोनों डिसीजेज स्किन डिसीज में आती हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और चलिए दोस्तों मैं इसके बारे में कुछ होम्योपैथिक दवा भी बताता हूँ कि ड्राई एक्जिमा और वेट एक्जिमा में कौन कौन सी होम्योपैथिक दवा यूज़ आती हैं और आपको यूज़ करने से आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है ग्रेफाइटिस पेंटार्गन। ये विलियम शॉबे की मेडिसिन है, विलियम शॉबे इंडियन कंपनी है ग्रेफाइटिस पेंटार्गन, और इसकी MRP 145 रुपीज़ है और ये सभी होम्योपैथिक शॉप में अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। बहुत अच्छी मेडिसिन है, दो गोली दिन में 3 बार लेने से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं ग्रेफाइटिस पेंटार्गन के। और ये मोस्टली ड्राई एक्जिमा में है काम करती है, लेकिन आपके अगर सिम्टम्स मिलते हैं ग्रेफाइटिस से तो वेट एक्जिमा में भी काम करती है दोस्तों। तो दूसरी दवा आपको मैं और दवाइयाँ बताता हूँ ये ग्रेफाइटिस पेंटार्गन के अलावा भी। तो पहली दवा है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम 200। तो आर्सेनिक एल्बम 200 के सिम्टम ये हैं, सिंपल से आपको बताता हूँ कि अगर आपके हथेली बिल्कुल काली है और हल्का सा ऊजिंग हो रही है, मतलब बिल्कुल पानी जैसा निकल रहा है, चिपचिपा नहीं है, हल्का सा पानी जैसा निकल रहा है और हथेली काली है, विथ बहुत ज़्यादा खुजली है और उसमें हल्के हल्के दाने भी निकलते हैं और आपको क्या कहते हैं कभी कभी एक दो दाना बड़ा हो जाता है और आपको उसमें आपको प्यास बहुत लगती है आर्सेनिक में दोस्तों। तो आर्सेनिक में अगर आपको बार बार प्यास लगती है तो आर्सेनिक आप लीजिए, आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। तो आर्सेनिक क्या क्या है दोस्तों, काली हथेली विथ प्यास लगना, अगर ये दो सिम्टम आपको मिलते हैं तो आपको आर्सेनिक लेना चाहिए, आपको आराम मिलेगा। आर्सेनिक 36 बूंद दिन में सुबह शाम लेंगे और ये डॉक्टर रेकवेक की आपको मिल जाएगी, मैं आपको डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दे दूंगा। दूसरी दवा है दोस्तों सल्फर, सल्फर 30 2 बूंद सुबह सिर्फ 1 बार। तो इसको ले इसके क्या सिम्टम्स हैं, सल्फर का मेन सिम्टम है इचिंग दोस्तों, खुजली इतनी तेज हो कि खुजलाते खुजलाते खून निकल आए। अगर ऐसा आपको होता है तो आपको सल्फर लेना चाहिए और सुबह सुबह 1 बार 30 पोटेंसी में लीजिए, तो इससे आपको बहुत बहुत आराम मिलेगा। तीसरी मेडिसिन है पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम में दोस्तों अगर आपकी हथेली पूरी फट गई हो, मतलब अलग अलग हो गई हो और उससे पपड़ी पपड़ी सी निकल रही हो, तो उसको उसमें पेट्रोलियम आपको लेना चाहिए और साथ में मेजेरियम भी अगर आप ले लेंगे। मेजेरियम में भी फटी हुई हथेली और फटा हुआ ये पैर का नीचे का हिस्सा है, उसमें भी यही पूरे सिम्टम्स, अगर पैर हथेली और पैर दोनों में मिले कहीं भी हो वो सिम्टम्स एक ही रहते हैं। तो अगर पूरी हथेली फट गई है और पपड़ी पपड़ी सी निकले तो पेट्रोलियम आप दवा लीजिए। और फिर उसके बाद एक दवा आपको मैं और बताता हूँ ग्रेफाइटिस, जो कि बहुत अच्छी दवा है। अगर आपको पपड़ी ना हो साथ में उजिंग हो, मतलब एक्जिमा हो, खासकर पैर में रहेगा एक्जिमा और पैर में उसमें उजिंग हो, पानी जैसा निकले, हल्का हल्का पानी निकले, तो आपको ग्रेफाइटिस लीजिए 30 पोटेंसी में सिर्फ दिन में 1 बार, 2 ड्रॉप्स दिन में 1 बार। सबके में डिस्क्रिप्शन आप वहीं से खरीद सकते हैं और किसी भी होम्योपैथिक शॉप में आप ग्रेफाइटिस, आर्सेनिक, पेट्रोलियम, सल्फर, ये बहुत कॉमन मेडिसिन है होम्योपैथी में, आपको सभी होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएंगी। और ये ग्रेफाइटिस पेंटार्गन साथ में लीजिए। और दोस्तों एक दवा है आर
सॉरी क्या कहते हैं, बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर। तो बायो कॉम्बिनेशन 20 नंबर दोस्तों, बायो कॉम जैसे आप सुन रहे होंगे कि बायो कॉम्बिनेशन है, तो इसमें साल्ट्स रहते हैं 20 नंबर, स्किन के लिए आता है। इसको आप 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को आप ले सकते हैं दोस्तों। अगर आपको इचिंग ज़्यादा हो रही हो तो 4 4 गोली दिन में 4 बार लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो पहली दवा है ग्रेफाइटिस पेंटार्गन, दूसरी दवा है आर्सेनिक, तीसरी दवा है पेट्रोलियम, चौथी दवा है सल्फर, पांचवी दवा है ग्रेफाइटिस खुद, और छठी दवा है क्या कहते हैं आपका फरगरिया। फरगरिया भी अच्छी मेडिसिन है, और मेजेरियम 200 में, और उसके साथ में बायो कॉम्बिनेशन 20। तो मैं सबके डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे दूंगा, आप उसको थोड़ा थोड़ा मैं इसमें सिम्टम्स भी लिख दूंगा, आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ के आप देखिएगा कि आपके सिम्टम्स किस में मिल रहे हैं, और सिम्टम्स आपको मिले तो आप यूज़ करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे दोस्तों, और एक्जिमा आपका पूरा ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाए तो मुझे कॉल करके मुझे प्लीज़ बताइएगा कि ठीक हो गया। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। एक्जिमा अनक्योरेबल डिसीज़ है, लेकिन अगर आप ये दवाइयाँ लेंगे तो ये क्योर हो जाएगा। होम्योपैथिक में स्किन डिसीजेज की बहुत अच्छी दवा आती है, तो दोस्तों मुझे लगा कि एक वीडियो स्किन डिसीजेज में बनाना चाहिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी स्किन डिसीज के ऊपर ही बनाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखते रहिए, मैं इसकी दवाइयाँ बहुत सारी दवाइयाँ आपको बताऊंगा, बहुत इजी वे में बताऊंगा, और आपको लेने में इजी होगा, और कोई साइड इफेक्ट नहीं होते दवा के, तो आप डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि दवा खाने से कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आप दवा खाइए, बहुत जल्दी आपको एक्जिमा ठीक हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।